नान्यत्र धन संत्यागात, धन के त्याग के बिना गणे प्रज्ञेव तिष्ठते। जो गण है, समूह है, समुदाय है, चाहे गण राज्य है, चाहे लोकतंत्र है, कोई भी संगठन हो, चाहे राजनीति का संगठन, चाहे समाज का संगठन और चाहे धर्म का संगठन, इन विशेषताओं को विकसित किए बिना अच्छा नहीं चल सकता। कितनी महत्वपूर्ण बात श्लोक में कही गई है कि संगठन के लिए इतनी व्यक्तिगत विशेषताओं की जरूरत है। पहली बुद्धि, दूसरी शांति, क्षमा, सहन करने की शक्ति, तीसरी बात इंद्रिय का निग्रह, और चौथी बात धन का त्याग। ये चार बातें होती है तो व्यक्ति समुदाय को अच्छा बना सकता है और समुदाय को अच्छा चला सकता है और समुदाय का नेतृत्व भी कर सकता है। अब कोई पढ़ाई है, बुद्धि का विकास हो गया, स्वार्थ और ज्यादा बढ़ गए, तर्क शक्ति बढ़ी, स्वार्थ और ज्यादा बढ़ गया। बुद्धि बढ़ी और अहंकार और बढ़ गया, क्षमा नहीं, सहन करने की शक्ति नहीं, कोई थोड़ सा भी कहे इतने में तो बस आकाश पाताल एक हो जाते। बड़ी विचित्र स्थितियां होती है, हमने देखा है। और जैसा विश्लेषण सुना है, पढ़ा है, बड़ा विचित्र है कि पढ़े लिखे लोग कितने आवेश में आ जाते हैं, कितना गुस्सा करते हैं, कितने क्रोध में आते हैं और किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो दोनों विशेषताओं का विकास होना चाहिए, बुद्धि का विकास तो साथ साथ में सहन करने की शक्ति का विकास, ये दोनों है। और इंद्रियों का निग्रह नहीं है, इंद्रियों का निग्रह करना नहीं जानता, खाने की लोलुपता, इंद्रियों की लोलुपता, तो भी वही स्थिति है। और इंद्रिय लोलुपता का तो युग है, इतनी बढ़ी है, अनेक बार लोगों से सुनते हैं कि कुछ ऐसे दृश्य आज के फिल्मों या चैनलों में आते हैं कि पिता पुत्र साथ में बैठकर नहीं देख सकते, पर जरूर देखते हैं, दोनों साथ में बैठकर देखते हैं, जबकि नहीं देखना चाहिए। इंद्रिय लोलुपता इतनी बढ़ गई कि अश्लील दृश्यों को देखने का एक युग बन गया, पता नहीं क्यों, क्या कारण है, कोई खास बात तो नहीं है, पर अश्लील साहित्य, अश्लील चित्र, नग्न चित्र, अर्धनग्न चित्र, उनको तो सार सर्वस्व मान लिया। ये इंद्रिय लोलुपता बढ़ी है, इसका तात्पर्य फलित यह है कि उतने ही अपराध बढ़े हैं।